लिया, क्या कर रहे हो? बोले कचुना गुरुदेव को सर्प ने डस लिया है तो डांक बजा रहे हैं। गुरु जी कहा है? कजा जमीन में गड़े उखाड़ो, उखाड़ लिया। गुरु धर्मांतर कहने लगे चेलाओं से पागल हो गए, तुमने मुझे जमीन में से क्यों निकाला? बोले तच्छक ने आकर के ये कहा आपके गुरु इसमें सड़ गए होंगे। अरे तच्छक तो पागल है बेटा, अब हम जिंदा नहीं हो पाएंगे, ऐसा करो हमारे शरीर को काटो, टुकड़े टुकड़े करके आप एक हाड़ी में हमारे शरीर को रांधो और जैसे ही बन जाए 1400 शिष्य खा लेना, जो विद्या मेरे पास है 1400 शिष्यों के पास उतनी विद्या पहुंच जाएगी। गुरु धर्मांतर के बढ़िया तरीका से पेड़ा करे, एक हड़िया ले बड़ी सी महाराज वहां में गुरु को डाल लो, नॉन मिर्च हद धनिया डाल डूल के गुरु को बनाए रहे हैं। तब तक महाराज तच्छक आ गया, क्या कर रहे हो? कचुनाए गुरुदेव ने कही कि हमें काट के रांध के बनाए के खाई ले, पागल हो, पाप पड़ेगा, ये गुरु है, गुरु के साथ आप ऐसा अन्याय कर रहे हो, नरक स्वर्ग में क्या नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, गुरु को फेंक दो। उसी समय 1400 शिष्यों ने क्या किया, हाड़ी को ली, आज बंगाल की खाड़ी में फेंकने के लिए जब गए, एक चेला चालना करे यज्ञपति महाराज वहां सीख लई वह हड़िया में बोरी और चाख लई, क्योंकि पता ना गुरु जी खट्टे बने हैं का मीठे बने हैं का नमकीन बने, चाख तो ले इतनी मेहनत करी, माने सीख लई जीप पे धर के चढ़ लई, बस वही विद्या अपने इस भारत में है और बाकी विद्या सारी बंगाल की खाड़ी में। एक धोबिन को वो हाड़ी मिल जाती, उसने खाया, विद्या निपुण हो गई, छोटी छोटी क्वारी क्वारी कन्या को विद्या सिखाने लगी है। इस तरीके से महाराज परिचत का तो देहांत हो जाता है, परम धाम के लिए चले जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की, और चलते चलते कुछ कहना है।